अफीम की पैदावार और नीम के पेड़ों के लिए पहचाना जाने वाला मालवा का पेरिस नीमच अब आईपीएल सट्टे के नाम से कुख्यात हो चुका है। नीमच जिले में इस बार कोरोना काल के चलते क्रिकेट सट्टा किंगों ने ऑनलाइन आईडी के जरिए काम शुरू कर दिया है। आज पहले आईपीएल मैच को लेकर इन आईपीएल सट्टा माफियों में ऐसा उत्सव दिखा है जैसे दीपावली आ गई हो, लेकिन दूसरी तरफ नीमच शहर में इन आईपीएल सट्टा माफियों के खिलाफ आम लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। आज हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया ने जब शहर के जागरूक लोगों और बुद्धिजीवियों से बात की तो उनका आक्रोश चौंकाने वाला था। सुनिए आईपीएल सट्टे को लेकर क्या कहा आम लोगों ने। ऐसा कई वर्षों से देखने में आया है कि नीमच में आईपीएल के दौरान कुछ लोग सिंडिकेट चला के सट्टाबाजारी को अंजाम देते हैं और उसमें जो कई युवा लोग हैं जो 18 से 20 22 25 की उम्र वाले जो ना समझ कहते हैं या कुछ जो युवा लोग हैं उनको ऐसे लोग जानबूझ के साजिश के तहत कहीं ना कहीं घेरते हैं और लालच दे करके सट्टेबाजी की दुनिया में ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस युवा के साथ साथ उसका पूरा परिवार इस षड्यंत्र में फंसता है और कहीं रुपयों का नुकसान परिवार को आर्थिक स्थिति में देखना पड़ता है और उस युवा व्यक्ति का भी भविष्य कहीं ना कहीं ख़राब होता है। ये भी देखने में आया है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करता तो है, अंकुश लगाने का प्रयास करता है, लेकिन वो कार्रवाई कहीं ना कहीं इतनी प्रभावी नहीं हो पाती जिससे ऐसे सट्टेबाज जो सट्टा जो संचालित करते हैं इनके ऊपर कोई बड़ी लगाम नहीं लगती और ये कुछ दिन बाद वापस चालू हो जाते हैं। तो हम प्रशासन पे से एसपी साहब से इस बार ये आवेदन निवेदन करेंगे कि कहीं ना कहीं एक सख्ती से इन लोगों पर कार्रवाई हो और ये लोग जो जानबूझ के साजिश के तहत जो युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम कर रहे हैं ऐसे लोगों पर लगाम लगे और इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई हो और ये सारे लोग जेल में जाएं। देखिए नीमच में भी हम देखने में आया है कि एक बड़ी मात्रा में सट्टाबाजों का जो गिरोह है वो एक्टिव है और आज से आप बता रहे हैं जैसे आईपीएल शुरू हो चुका है तो आईपीएल में एक बड़ी मात्रा में करोड़ों का व्यापार आईपीएल के माध्यम से सट्टाबाजारी में होता है जिसमें युवा एक दलगत उसमें पड़े जा रहे हैं और युवा कहीं ना कहीं अपना जीवन बर्बाद की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि क्या है सट्टेबाजी में बाजारी में वो जल्दी पैसे कमाने की लालसा रखते हैं मन में जिसके कारण बहुत सारे युवा करोड़पति बन जाते हैं जिसको बहुत सारे युवा रोडपति बन जाते हैं और जो रोडपति युवा बनते हैं वो कहीं ना कहीं आप देखने में आता है कि कहीं ना कहीं उनके घर बार बिक जाते हैं, उनके माता पिता परेशान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं लास्ट में उन्हें आत्महत्या का सहारा लेना पड़ता है। देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन ने पिछली बार भी इस ओर बड़ी मात्रा में सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की थी तो निश्चित रूप से प्रशासन इस बार जागरूक रहेगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा। पहले तो मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, युवाओं को कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, स्कूलें बराबर कॉलेज खुल नहीं रहे हैं, ऐसे में आईपीएल का जो सट्टा चलेगा उससे लाखों घर बर्बाद होंगे, युवक नशे के कारोबार में जुड़ेंगे और हारने के बाद कहीं ना कहीं सुसाइडों के मामले बढ़ेंगे, इसलिए आईपीएल सट्टे पर प्रतिबंध हो। मैं तो कहता हूँ कि ये भीषण जो कोरोना महामारी चल रही है इसमें आईपीएल पे तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। नीमच में कम से कम 200 सटोरी क्रिकेट के सक्रिय हैं, वो नए बच्चों को नशे की आड़ में और जुए की आड़ में कहीं न कहीं बच्चों को क्रिकेट के सट्टे में उतार कर कर्जदार बना रहे हैं। जैसे कि आज आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, हमारा जो नीमच शहर है वो भादवा माता एक तीर्थ स्थल है जो मालवा की वैष्णो देवी के नाम जाना जाता है और यह आईपीएल जैसे जो गेम से जो क्रिकेट कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स युवाओं को अपनी मतलब स्पोर्ट्स एक खेल भावना की ओर प्रेरित करता है, वहीं आईपीएल में कई युवा जो है सट्टे की ओर जा रहे हैं, कई युवा जो है सट्टे की ओर अपना जीवन लीला भी समाप्त कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये बहुत ही एक तरीके से मतलब बहुत मतलब निंदनीय बात है कि कई युवा इस ओर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन की संख्या बढ़ती जा रही है, कई कई गली मोहल्लों में और कई होटलों में और कई चौपालों पर भी कई युवा सट्टा लगाते हैं और कई हार भी जाते हैं, इस कारण कई आत्महत्याएं हो रही है। इस तरीके से युवा इस ओर बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब बहुत युवाओं का इसमें बहुत विनाश होता जा रहा है। देखिए आज की जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह से क्रिकेट की गिरफ्त में है और युवा पीढ़ी अपना समय तो बर्बाद करती है इस क्रिकेट के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ नीमच के अंदर जो है क्रिकेट के अंदर भारी सट्टा व्यापार चलता है
और यहाँ पर आप देखेंगे जब ये आईपीएल अब शुरू होने वाला है, आज से शुरू हो गया है, तब जगह जगह लोग टीवी लगा के और टेलीफोन के मार्फत यहाँ पर सट्टा करते हैं। यहाँ पर कई बार पहले पुलिस ने सट्टा पकड़ा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ और निम्बाड़ा और इसके आसपास का जितना एरिया है उसका एक सेंटर है नीमच के अंदर, सट्टे का बहुत बड़ा कारोबार यहाँ होता है। और ये क्रिकेट का सट्टा पिछले कई सालों से चल रहा है, पुलिस ने कई बार कार्रवाई भी करी लेकिन ये सट्टा नहीं रुका है। और अभी आईपीएल चला है, आप देखेंगे कि नीमच में सट्टे का भयंकर कारोबार है। इसके अंदर कई बड़े व्यापारियों के बच्चे जो लाखों रुपये इसमें खो चुके हैं, और दूसरे भी जो बच्चे हैं, नए बच्चे जो खास करके, वो सट्टे के कारोबार में बहुत बुरी तरह से लिप्त हैं। तो इस क्रिकेट के सट्टे को रोका जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो कई आत्महत्याएं तक हुई है इस क्रिकेट के सट्टे को लेकर, तो ऐसी आत्महत्याओं को रोकने के लिए, ऐसे गलत कारोबार होने के लिए सट्टे के ऊपर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। और पुलिस को मुस्तैद रहना चाहिए, पूरे दिन आईपीएल का जो 53 दिन का ये खेल चलेगा, इस 53 दिनों में मुस्तैद रहना चाहिए कि नीमच में कट सट्टे का कारोबार नहीं हो। आज से जहाँ एक तरफ आईपीएल चालू हो गया है, वहीं नीमच शहर जो आपको भादो माता की नगरी या नेत्रदान की नगरी या अच्छे कार्य में सामाजिक संस्थाओं के नाम से जाने जाने वाली नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको देखा जाएगा कि ये सट्टेबाजों की नगरी के नाम से भी अब जाना जाने लगा है। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि नए नए युवाओं को किस तरह से सट्टेबाजी के जंगल में फंसाया जा रहा है, कि आपको दिखेगा कि कई लोग जो हैं यहाँ पर क्रिकेट का सट्टा के बड़े बड़े वो चलाते हैं, हब चलाते हैं। आपको कई गली मोहल्लों में इस तरह के सटोरे मिल जाएंगे जो अपने कहीं ना कहीं से सट्टेबाजी का कार्य करते हैं और युवा पीढ़ी को इस जंजाल में फंसाकर और उसको बर्बाद कर रहे हैं। इस कारण कई लोग ऐसे इसमें मरने की स्थिति में भी आ जाते हैं। तो इस और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इस पर रोक लगाए और सट्टेबाजों को लगाम लगाए, ताकि देश की युवा पीढ़ी बिगड़े नहीं। देखिए, पहले भी जो क्रिकेट का सट्टा है वो समाज में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उस समय भी हम लोगों ने दबिश देके बड़े बड़े सटोरियों को गिरफ्तार किया था। तो ये सभी सटोरियाँ भूमिगत होकर इधर उधर गोपनीय तौर पे दूसरे प्रदेशों में जाकर ये व्यापार करने लगे थे। आईपीएल को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज राय साहब ने एक स्पेशल टीम बनाई है, जो ये टेक्निकल ढंग से इसको संपादित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी ढंग से हम भी तैयारी कर रहे हैं, और यदि वो नीमच ज़िले में कहीं भी सट्टे का कारोबार करते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इससे कई गरीब लोग जुड़े रहते हैं जिनकी जीवन भर की कमाई ये थोड़ा सा लालच देकर लूट लेते हैं। तो इसको बहुत गंभीरता से पुलिस अधीक्षक महोदय ने लिया है और हम इस पर निगाह रख रहे हैं। जैसे ही सूचना मिलेगी या जैसे ही इनका अन्य जानकारी मिलेगी, उस अनुसार इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये लालच है इंसान का जो जुए सट्टे में आदमी को प्रेरित करता है, और इसका ये फ़ायदा लेते हैं कि लोगों को ऐसा मुहैया करा के, सुविधा मुहैया करा के उनसे हार जीत का जुआ खिलवाते हैं और इस पर सट्टा लगवाते हैं। तो ये गंभीर अपराध है और इसी को इसी गंभीरता से लिया जाएगा। नीमच से दीपक खताविया की रिपोर्ट।